खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर उमेश सिंह जी, आपकी क्या जिम्मेवारी है ऐसे कोरोना वायरस को लेकर? सावना शहर में आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? देखिए, एक तो हमारे को कोरोना वायरस को लेके जो फूड से रिलेटेड जितना भी है, इशेंशियल कमोडिटी में जो आता है वो हमने प्रोवाइड करवाना है मिलर और होलसेलर और रिटेलर, और पब्लिक तक पहुँचाना है। कोई स्टॉक कम ना पड़ जाए या कोई ये कालाबाजारी जो सुनने में आ रहा है कि भाई ये ज़्यादा रेट से कोई भी सामान बिक रहा है, कोई भी इशेंशियल कमोडिटी का, वो सब सुबह भी हमने छापेमारी करी है, उसमें सामान्य पाया गया सारी चीज़। और ये जो आजकल फूड सप्लाई को ये जो केमिस्ट वगैरह हैं, जो मास्क है, सैनिटाइजर्स है, हैंड ग्लोव्स है, ये भी पब्लिक को प्रोवाइड, ये सारी चीज़ ये देख रहे हैं। कितनी दुकानों पे आपने छापामारी करी है? आज जो होल सेलर की और रिटेलर की है इशेंशियल कमोडिटीज, किस चीज़ की दुकान? सब्जी की दुकान, किराने की दुकान? किराने की दुकान, उन पर छापेमारी करी है। सुबह जो 7 से 10 मार्केट खुलती है, और हर एक जो खरीदार थे उनसे पूछा गया भाई किस रेट से लिया है, और उनका ये जो बिल बना के दिया था इन दुकानदार ने, वो भी हमने चेक किया है, सभी सामान्य है। कितनी दुकानों पर छापेमारी? और 5 कम से कम 15 दुकान है, सभी दुकानों पर कमोडिटी कम से कम 15 दुकान, और ये केमिस्ट की 5 दुकान। तो इसमें आपको क्या पाया? सभी सामान्य है। ये किस बेस पे मतलब आपने छापेमारी करी? ये जैसे ये कोरोना वायरस को लेके जो अभी गवर्नमेंट ने वो पब्लिक के लिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कोई कम ना हो, कोई स्टॉक कम ना हो, कोई गलत रेट में सामान ना बिके। लोगों की शिकायतें मिली थी क्या आपको? नहीं नहीं, ये तो रूटीन में जो आदेश जारी ऐसे माहौल में जो जो आप कह रहे हो कि 7 से 10 बजे तक बाजार खुला, हाँ, ये किसकी परमिशन से खुल रहा है? ये एसडीएम सोना, उन्होंने टाइम बाउंड कर रखा है 7 से 10। हाँ जी, हाँ जी, 7 से 10 सब्जी का भी और ये इशेंशियल कमोडिटीज का। इनके अलावा और भी कोई दुकान खुलती है? नहीं, इसके अलावा कोई दुकान नहीं।